तो बच्चों अब हम बात करते हैं पाश्चन सीरीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पाश्चन सीरीज, ठीक है। ये क्या होती है? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से एन इज इक्वल टू थ्री में इंटर करता है, तीसरे एनर्जी लेवल में आता है, तो उस हाइड्रोजन से जो वेवलेंथ निकलती है या हाइड्रोजन लाइक एटम से जो वेवलेंथ निकलती है वो सब क्या होती है? पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ कही जाती है। तो अगर हम बात करें बच्चों यहां पे कि इसके लिए जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है ये N1 है, तो N1 की वैल्यू देखिए यहां पे क्या आ जाएगी यहां बच्चों, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि आना कहां इलेक्ट्रॉन को? 3 में। कहां से आता है? तो N2 कहीं से भी आ सकता है भाई, उससे ऊपर एनर्जी लेवल से। तो क्या हो सकता है? 4 से आ सकता है, या 5 से आ सकता है, या 6 से आ सकता है, या 7 से आ सकता है, या इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एन कह देते हैं। जब जरूरत होगी तो इनकी वैल्यू 4, 5, 6 कुछ भी हम रख सकते हैं। यानी कि पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? 1/λ बराबर आर 1/N1 स्क्वायर, N1 जगह 3 का स्क्वायर, माइनस 1/N स्क्वायर, जहां पे n की वैल्यू हम 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाहें तो कितनी निकलेगी? तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी बच्चों? फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ अगर बात करोगे तो इनको हम लोगों को ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये यहां से मैक्सिमम मिलता है, यहां से मिनिमम मिलती है, ध्यान रखना। तो n इक्वल टू 4 रख दीजिए। जब n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा भाई? ये बन जाएगा 1/λ r, देखिए इस फॉर्मूले, r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, तो ये आ जाएगी यहां पे 144/7 r, यह आ जाएगी 144/7 r। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है बच्चों 18750 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो मैक्सिमम वेवलेंथ पाश्चन सीरीज की आती है वो क्या आती है? 18750 एंगस्ट्रॉम। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो क्या आती है? 18750 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं बच्चों कि मिनिमम वेवलेंथ कितनी आती है। हमको पता है मिनिमम के लिए n इक्वल टू क्या रख देंगे? इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो अब बात करेंगे फॉर मिनिमम वेवलेंथ, फॉर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज। किसकी बात करें बच्चों? पाश्चन सीरीज की। अच्छा क्या आएगी बच्चों यहां पे देखिए, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। क्या? n इक्वल टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो बच्चों यहां पे इक्वेशन में ये वैल्यू है तुम्हारी वेवलेंथ की, इसमें वैल्यू पुट करो क्या आएगा? 1/λ इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, और 1/∞ स्क्वायर क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। मींस लैम्डा इक्वल टू क्या बचेगा? 9/r, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इक्वल टू 9/r, r की वैल्यू 1.097 × 10⁷। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8204, ये आता है 8204 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो पाश्चन सीरीज है उसकी जो मिनिमम वेवलेंथ है वो क्या है? 8204 एंगस्ट्रॉम। मैक्सिमम कितनी है? 18750 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बच्चों जो विजिबल लाइट है कितनी है? 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर अप्रॉक्स 7500 एंगस्ट्रॉम तक। इसके क्या है? इससे ज्यादा है। देखो इस रेंज से सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है? 7500, ये विजिबल की है। तो विजिबल रेंज से ये क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों आपको पता है ना सबसे छोटी वेवलेंथ विजिबल की किसकी होती है? वायलेट कलर की। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और बाकी सारे कलर इसके बीच में आते हैं ना, विबग्योर पड़ा होगा।
तो बच्चों वॉयलेट से छोटी वेवलेंथ जो होती है वो सब अल्ट्रा वॉयलेट होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट। और जो रेड से बड़ी है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन सबको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो विजिबल रेंज की वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, इससे ज्यादा आ रही वैल्यू मतलब ये सब किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी इंफ्रारेड में। ठीक है, तो ये सारी जो पाश्चन सीरीज मिलती है ये किस में मिलती है, ये इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पाश्चन सीरीज किसकी है, इंफ्रारेड रीजन की है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।